ने कर दिया कोड़ी को खूनम खान, सीएम पंक होने वाले इंटरव्यू सेट मैच का पार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप शो WHG। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड आई थिंक दोस्तों ये हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ रही है। इसके अंदर दोस्तों वो सब कुछ था जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अंदर एक्शन था, ड्रामा था, इवन दोस्तों आज मेरे हिसाब से एटीट्यूड एरा लौट आई है क्योंकि गाली गलौज के साथ हमें देखने को मिला है ब्लड, वो भी मेन इवेंट में। कोडी रोड्स को दोस्तों द रॉक ने इतना पीटा कि वो ब्लीड करने लगे, वहां रॉक ने कोडी रोड्स के ऊपर थूका है, बारिश हो रही थी और गाइज मामा रोड्स के ऊपर भी हम लोगों को बिग शॉट्स देखने को मिले हैं। तो कोडी रोड्स दोस्तों सबसे पहले एंट्री लेते हैं और गाइज आज की रॉ जो थी वो शिकागो से लाइव थी, यानी कि चैंट्स लगनी लाजमी थी। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस ने बीते हफ्ते में मुझ पर काफी चीजें कही है और उनमें से एक चीज ये है कि वो पैट मैकेफी के शो में कहता है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं, वो मुझे पॉलिटिशियन बताता और ये चीज कहता है कि मेरी सारी चीजें फेक है। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं एज ए चैंपियन वो इसलिए क्योंकि तू नहीं कर रहा है, तू नहीं आ रहा है एरिना में, तू नहीं मिल रहा है बच्चों से, तू किसी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर रहा और मुझे करना पड़ रहा है। आगे दोस्तों वो ये चीज कहते हैं कि वो जानते हैं रोमन रेंस उनसे हेट क्यों नहीं करते हैं और इसीलिए करते हैं हेट क्योंकि रॉक वर्सेस रोमन नहीं हो पाया। वो ये चीज कहते हैं कि यही रीजन है कि रोमन उनसे हेट कर रहे हैं। लेकिन अब लास्ट ईयर से वो ये चीज तो जान चुके, अकेले वो नहीं हरा सकते हैं ट्राइबल चीफ को क्योंकि हमेशा ब्लडलाइन उनके साथ रहती है। तो ऐसे में उनका दोस्त यानी कि सैथ रॉलिंस उनके साथ मिलकर 6 तारीख को फेस करने वाला है ब्रामा बुल द रॉक एंड रोमन रेंस की जोड़ी को। इसके बाद 200 रेसलमेनिया के ऊपर पॉइंट करने को कहते हैं लोगों को और लोग पॉइंट भी करते हैं। माना 2 मेन इवेंट होने वाले रेसलमेनिया में। इफ यू समवेयर व्हाट द रॉक इज कुकिंग एब्सोल्युटली दोस्तों आई एम शॉक्ड। जहां दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉक जो है नेक्स्ट रॉ में आएंगे, वहां दोस्तों रॉक आज की ही रॉ में आ जाते हैं और गाइज इसे देखकर जनता चिल्लाती है होली शिट होली शिट, मोमेंट बच जाता है और गाइज उसके बाद लोग चिल्लाते हैं सीएम पंक भी एरिना में थे लेकिन इस सेगमेंट में वो नहीं आए। दोनों के बीच में दोस्तों तगड़ा फेस ऑफ होता है, गूज बम्स आ जाते हैं और गाइज उसके बाद जो रॉक करते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग रहता है। रॉक क्या करते हैं कि गाइज कोडी रोड के पास जाते हैं, उनके कान में कुछ विस्पर करते हैं, कुछ दोस्तों खुशपुसाहट करते हैं और वहां से रिंग को लीव कर देते हैं और फिर बैक से जाकर उनसे जो जैकी वो पूछती है कि आपने क्या कहा, जिस पर रॉक कहते हैं कि तुम जाकर कोडी से पूछो। इसके बाद जेडी वर्सेस रिकोशे भी मैच हुआ लेकिन वो ठिकाने नहीं लगा पाए। उल्टा दोस्तों इस मैच के अंदर हमें चीज देखने को मिली कि रिकोशे ने एंड में फिर से जेडी को हरा दिया। वहां दोस्तों डोमिनिक को रेफरी जाने को कहता है और इस दौरान दोस्तों रिकोशे स्टैंडिंग जेडी को दोस्तों शूटिंग स्टार प्रेस लगा देते हैं और मैच को जीत जाते हैं जो कि काफी अच्छा फिनिश था। ये मैच काफी अच्छा था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा सीएम पंक एरिना में आ चुके हैं और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही है दोस्तों सीएम पंक की एंट्रांस जो कि काफी क्रेजी था। शिकागो दोस्तों गढ़ माना जाता है सीएम पंक का, तो ऐसे में उनकी एंट्री क्रेजी होनी थी। सच्ची बात बताऊं ये जो सेगमेंट था ना ये अनस्क्रिप्टेड था, जैसी दोस्तों रिपोर्ट आ रही निकलकर मेरे सामने बताया जा रहा दोस्तों इसके अंदर सीएम पंक ऑफ स्क्रिप्ट चले गए हैं। लिटरली दोस्तों पंक ने जो कुछ कहा ना वो काफी क्रेजी था। वहां दोस्तों पंक आते हैं और सबसे पहले तो ये चीज कहते हैं कि बहुत सी थिंग्स जो है उन्हें कहनी है शिकागो में और आज वो कहने वाले हैं। वो ये चीज कहते हैं कि वो मेडिकली क्लियर नहीं है तो ऐसे में रिजल्ट नहीं कर सकते हैं। और आगे दोस्तों वो ये चीज कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि क्या आप होस्ट होने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो होस्ट हो सकते हैं लेकिन जब वो कहते हैं कि रेफरी हो सकते हैं तो वो उन दोनों के बीच में नहीं पढ़ना चाहते, यानी कि ड्रू एंड सेथ के बीच में। और आगे दोस्तों वो ये चीज कहते हैं कि पैट के शो में रोमन ने मुझ पर शॉट लिए हैं, तो रोमन मैं तुम्हें बता दूं जल्द हमारा मैच होगा। इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि रॉक ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रॉक मैंने पहले भी कहा था योर आर्म्स टू शॉर्ट टू फाइट विद गॉड्स। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्रू की, ड्रू की एंट्री हो जाती है, ड्रू मैकइंटायर आते हैं और सीएम पंक कहते हैं कि इसका स्टूपिड गाना बंद करो। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है उनकी स्कर्ट के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। ड्रू बोलते हैं कि देखो अगर ये 2014 होता तो मैं कैंसिल हो जाता लेकिन मैं भी बहुत सारी चीज़ें कहना चाहूँगा, जिस पर टी शर्ट निकालते अपनी सीएम पंक वाली। सीएम पंक कहते हैं ये काफ़ी बेकार चीज़ है जो तुम कर रहे हो टी शर्ट के साथ। और इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि यार ये टी शर्ट निकलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरे बाइसेप बड़े हैं
और वो तेरे साथ शायद से ना हो पाए। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती, पंक उन्हें कावर्ड कहकर रिंग में बुलाते हैं लेकिन ड्रू नहीं आते। ड्रू कहते हैं कि वो चूजर मन है। सीएम पंक कहते हैं किसने बनाया तुझे चूजर मन, यहाँ मिकमैन का नाम तो लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए। इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि लोग भी हंसने लग जाते हैं, मूवमेंट काफी क्रेजी हो जाता है। फिर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि तुम मेरे मैच में कॉमेंट्री टेबल पर हो सकते हो, जिस पर सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आते हैं और फेस ऑफ करते हैं सीधे जाकर सीएम पंक के साथ। यहाँ दोस्तों सेथ कहते हैं कि तुम दोनों मोरन्स हो और मैं नहीं चाहता कि पंक तुम मेरे मैच में इन्वॉल्व हो, और तुम खुद से डिसीजन कैसे बना सकते हो। और जिस पर जनता से पूछते हैं क्या इसे मेरे मैच में कमेंट्री पर होना चाहिए, जिस पर यस यस की चैन लगती है। इसके बाद दोस्तों में चीज़ देखने को मिलती है कि वो कहते हैं तुम वैसे रेफरी तो नहीं बन सकते हो डेफिनेटली, जिस पर दोस्तों जो हमारे अपने पंक है वो काउंट करके दिखाते हैं कि उनका दूसरा हाथ काम कर रहा है, जो कि फिर से काफ़ी फनी था। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने सीएम पंक है ना गाइस, वो मजाक उड़ाते हैं दोस्तों ड्रू का और साथ ही साथ सेथ रॉलिंस का। सबसे पहले दोस्तों ड्रू को कहते हैं कि वैसे भी मैं तुझे बताना चाहूँगा, तेरी स्कर्ट को बताना चाहूँगा और सेथ तुझे तेरी बेल बॉटम्स और तेरी पत्नी को भी चीज़ें साफ रखना चाहूँगा कि मुझे तुम्हारे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं कमेंट्री टेबल पर होने वाला हूँ। उसके बाद उन्होंने मिडल फिंगर दिखाई दोनों को और फिर वहाँ से चल दिए। तो यहाँ दोस्तों जाते हुए दोस्तों ड्रू मैकइंटायर को रोकने की कोशिश, माफ कीजिएगा, सीएम पंक को रोकने की कोशिश करते हैं ड्रू। ये चीज़ कहते हैं वापस आ ड्रू, दोस्तों रिंग के अंदर जाते हैं और वहीं दोस्तों जो सेथ है उन्हें स्टॉम्प कर दिए और उसके बाद जाते हुए हल्का सा फेस ऑफ भी हुआ पंक और सेथ के बीच में। काफ़ी क्रेजी सेगमेंट ये गाइस था और काफ़ी तगड़ा सेगमेंट था और पूरे तरीके से अनस्क्रिप्टेड था, काफी मजा आया इसके अंदर। अब गाइज हम लोगों को बिगी देखने को मिल रहे हैं जो कि स्निकर्स की एड में थे। कहीं ना कहीं दोस्तों ईस्टर एग हो सकता है कि बिगी जो है काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपनी कैंडीज का मैच, जो कि फेक करती है इंजरी, आईवी नाइल के खिलाफ मैच था, मैंने आपको कल बताया भी था, वो फेक करती है कि उनकी टांग में लगी है लेकिन मौका पाते हुए दोस्तों रोब्स का सहारा लेते पिन फॉल ले लेती है आईवी नाइवल का। तो यहाँ दोस्तों फिर से कैंडीज ले रहे ने अपना हेलिश मूव दिखाई दिया। उसके बाद दोस्तों बैकस्टेज हम लोगों को जो सेगमेंट देखने को मिला उसी पर दोस्तों हम लोगों को बहुत कुछ पता चलता है। आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, दो वीडियो आएगी तो ये पहली वीडियो रहेगी, दूसरी वीडियो दोस्तों आगे आएगी। यहाँ दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलता कि बैकस्टेज दोस्तों डीआईवाई और न्यू डे के बीच में बातचीत हो रही है लेकिन फोकस रह रहा है दोस्तों मेरा पीछे, क्योंकि ड्रू बात करें पॉल अहमद से, बातचीत क्या थी वो तो पता नहीं लग पाया लेकिन काफी ब्रीफ में दोस्तों इनकी बात हुई है। इवन आरतूत भी वहां आ जाते हैं लेकिन फिर भी ड्रू एंड हेमंत के बीच में बातचीत चलती रहती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना डीआईवाई का मैच, जो कि द न्यू डे के खिलाफ था। मैच के अंदर जजमेंट डे जो है इंटरफेरेंस कर देती है और पीट देती है दोनों टीम्स को। आरतूत को भी दोस्तों पीटने की कोशिश करती है, आरतूत फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन जजमेंट डे से पीट जाते हैं। जजमेंट डे ने दोस्तों लैडर मैच लड़ना, उससे पहले दोस्तों उन्होंने स्टेटमेंट देनी है, आज वो भलीभांति दे चुके हैं। कोड़ी से पूछा जाता है कि क्या कुछ विस्पर किया रॉक ने आपके कान में, कोड़ी कहते हैं उसने एक ऐसा वादा किया है जो कि शायद से वो नहीं निभा सकता। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब गंथर का सेगमेंट, गंथर कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता सेमी का आज किसके खिलाफ मैच है, वो बिलीव नहीं करते सेमी में कि सेमी उन्हें हराने की क्षमता रखता है और उनके अनुसार रीड से वो हार जाएगा। अंड्राडे का मैच देखने को मिल रहा है दोस्तों, अंड्राडे दोस्तों आज विंची को फेस किए, दरअसल दोस्तों आई बार इंजर्ड थे तो यहाँ विंची ने उन्हें फेस किया और इसके अंदर अंड्राडे जो थे काफी तगड़े मूव सेट लगाए और एंड में उन्होंने न्यू फिनिशर लगाकर मैच को जीत लिया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपनी बैकी एंड रिया का सेगमेंट, तो यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलती है रिया रिप्ली की एंट्री, हर कोई मामी मामी चिल्लाता है और यहाँ दोस्तों रिया बात करती है अटेंशन की कि बैकी उन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रही, बैकी आकर अटेंशन देती है प्रॉपर और ये चीज़ कहती है कि तेरा धंधा जो है वो ऐस से चलता है, मेरा ऐस घिसने से चलता है। बेसिकली ये रेफरेंस था दोस्तों रिया का जो लाइव इवेंट में उन्होंने किया था, कल वाली वीडियो में हम डिस्कस भी किए थे। यहाँ दोस्तों आगे वो ये चीज़ कहती है कि तुम्हें पता चलेगा कि टाइम के साथ कैसे रेसलर बनता है, अभी तो तुम नई नवेली हो, यंग हो, हॉट हो लेकिन इस बार की रेसलमेनिया में तुम्हें पता चलेगा कि चीज़ें कैसे जाती है। और यहाँ दोस्तों जब रिया ने बैकी की बेटी का नाम लिया तो बैकी गुस्सा आ गया, इमोशनल हो गई, ये चीज़ बोली कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बीच बचाव में दोस्तों डोमिनिक आया जिन्हें मुक्का लग गया, रिया अटैक कर देती है बैकी के ऊपर, दोनों के बीच में ब्रॉल छिड़ जाती है, रेफरी आकर इन्हें छुड़ा देते हैं। चैट दोस्तों सेमी को कहते हैं कि उन्हें उनमें विश्वास है मैच से पहले और इसके बाद दोस्तों रीड के खिलाफ मैच होता है। मैच के बीच में दोस्तों गंतर आ जाते हैं रैंप के ऊपर और यहां दोस्तों सेमी जो है इवेंचुअली हार जाते हैं, रीड दोस्तों उन्हें सुनामी लगाकर हरा देते हैं। बैकस्टेज जाते हुए सेमी काफी गुस्सा थे, चैट ने कहा कि गंथर जो है ऐसे ही माइंड में घुसता है, विश्वास दिलाता है कि तुम उसे हर नहीं हरा सकते तो तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। तो यहाँ चैट दोस्तों अब सेमी के पक्ष में हो चुके हैं। हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जे उसो मेन इवेंट से पहले दोस्तों फायर अप हो रहे हैं कि उन्हें दिखाई देता है उनका भाई जिमी उसो
और सोलो सिक्वा, तगड़ा फेस ऑफ होता है दोनों के साथ जे का, और समझ जाते हैं जे कि आज के मेन इवेंट में होने वाले हम लोग। दोस्तों हम देख रहे हैं मेन इवेंट से पहले सैथ कहते हैं जैसे कि अगर कुछ ऊंच नीच हुई हम तेरे कॉर्नर पर होंगे। मैच बिगन होता है, ये शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ था जे का मैच, और इसके अंदर दोस्तों ऊंच नीच होगी। मैच के एंड जैसे में दोस्तों जब दोनों पड़े हुए थे वहां दोस्तों आ जाते हैं जिमी एंड सोलो, लेकिन उन्हें टेकआउट करने आ जाते हैं कोडी एंड सैथ। टेकआउट करते करते दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि ड्रू भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि सैथ को टेकआउट कर देते हैं और फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा देते हैं आउटसाइड। अंदर दोस्तों जो जे है वो स्पीयर लगाकर शिंसुके की पिनफॉल ले जाते हैं। अब जो कोडी लड़ते लड़ते दोस्तों जिमी को ले गए थे आउटसाइड, उन पर पीछे से हमला कर दिया द रॉक ने। द रॉक दोस्तों पीछे से हमला कर देते हैं और फिर कहते हैं अब तुम मुझे देख पा रहे हो, Now you can see me. इस पर दोस्तों पीटते पीटते उन्हें ले जाते हैं दोस्तों एक अलग डिफरेंट एरिया में, जहां दोस्तों सबसे पहले तो उनके सर के ऊपर टीन का टब्बा मारते हैं, और उसके बाद दोस्तों इधर उधर वॉल पे मारने के बाद वो ले जाते हैं उन्हें बाहर पार्किंग एरिया में, और वहां दोस्तों बारिश जैसी हो रही थी, काफी क्रेजी काफी फिल्मी दोस्तों वो सब लग रहा था। और रॉक दोस्तों यहां काफी लो बातें करते हैं, चीज कहते हैं कि ये होता है जब तुम फाइनल बॉस से भिड़ते हो, और पीटते पीटते दोस्तों उन्हें बिल्कुल एज पे ले जाते हैं। मुझे लगा उन्होंने एज पर से उन्हें नीचे फेंक देना है गटर में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां दोस्तों वो उन्हें लाते मारते हैं, और फिर दोस्तों वहां उनके जो बस रहता है वहां हमें ये चीज देखने को मिलती है रॉक दोस्तों उन्हें ब्लीड करवा जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों खून निकलने लग जाता है कोडी के चेहरे पर से, और फिर रॉक कहते हैं मामा रोड्स कहा था ना तेरे बेटे के साथ ये होगा रेसलमेनिया में, लेकिन रेसलमेनिया से पहले ही होगा। यही होता है जब आप फाइनल बॉस से भिड़ते हो, और यही होता है जब आप बात करते हो कि ब्लड लाइन कुछ नहीं है। यहां दोस्तों जो द रॉक है वो बहुत सारी घटिया घटिया चीजें कहते हैं रॉक को, और गाइज फिर उस बेल्ट के ऊपर खून भी लगाते हैं, कहते हैं मामा रोड्स मैंने वादा किया था ना कि तेरा बेटा होगा, तेरे बेटे का खून होगा और बेल्ट मेरी होगी, ये देख। जिस पर दोस्तों उन्होंने खून लगाया, और उसके बाद दोस्तों उन्हें लो ब्लो मारा है अपने जूते से। यहां दोस्तों द रॉक ने मल्टीपल टाइम्स कोडी का सर बस में मारा, बहुत ज्यादा खून बह गया था, और उसके बाद रॉक फाइनल वर्ड्स कहते हैं अपने, वो कहते हैं कि शायद से डैडी रोड्स ने बुरा टाइम नहीं देखा, लेकिन तुम हार्ड टाइम्स देखोगे रेसलमेनिया के अंदर। This happens with you, fuck with you, final boss, Raw affair चली जाती है। तो बहुत ज्यादा खून निकाल दिया कोडी का आज। कोडी दोस्तों नेक्स्ट वीक होने वाले, और नेक्स्ट वीक दोस्तों रॉक भी आएंगे, क्या कोडी बदला ले पाएंगे तो समय बताएगा, लेकिन इसी तरीके की वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वाल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।